विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आप भी जानते हैं कैसे देश में दशकों तक आदिवासी युवाओं को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा गया। ऐसे में किसने आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की? किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए? बीजेपी की सरकार ने। और इतना ही नहीं, आदिवासी समाज से एक महिला को देश की राष्ट्रपति किसने बनाया? तो जवाब एक ही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। साथियों, पहले की सरकारें खनिज संसाधनों से संपन्न झारखंड और दूसरे इलाकों से केवल वसूली करती थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ बनाकर आपको आपका हक दिलाया। आज भी भाजपा केंद्र में रहकर झारखंड के विकास के लिए पूरे समर्पण भाव से, सेवा भाव से काम कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए, झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। साथियों, झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन है। ये झारखंड के दुश्मनों को झारखंड के लोग जितना जल्दी पहचानेंगे उतना झारखंड का भाग्य सुनिश्चित होगा। झारखंड के ये तीन दुश्मन है जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया, लेकिन इन्होंने देश के दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को आगे नहीं बढ़ने दिया। साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के, हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। दो तीन दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने
एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है। लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान यहां की डेमोग्राफी